दोस्तों हम आपको ले चलते हैं एक नई जगह। यह जगह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और एक समय मुगल शासकों का यह ग्रीष्मकालीन आरामगाह होता था। दोस्तों जफर महल है। जफर महल को जंगली महल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उस समय मेहरौली में जंगल और पहाड़ चारों ओर था। स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वह समर पैलेस की तरह बनाया गया है और यह जो है इसका निर्माण जफर महल का अकबर शाह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। बाद में जो है इंट्रेंस गेट बहादुर शाह जफर ने रिकंस्ट्रक्ट किया था। जफर की भी इच्छा थी कि उसे यहीं दफनाया जाए क्योंकि इस महल के जस्ट बगल में कुतुब बख्तियार काकी का प्रसिद्ध दरगाह है। कुतुब बख्तियार काकी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के सक्सेसर थे और लगभग सभी इस्लामिक शासक जो है वो मतलब कुतुब बख्तियार काकी के शिष्य थे और उनके याद में कुछ ना कुछ बनवाते थे। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था और वो जो है कुतुब बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था और बाद में मुगल जो है वो भी जो है कुतुब बख्तियार काकी के दरगाह के जस्ट बगल में जफर महल बनवाया था। जिस समय इसे बनाया गया था अकबर शाह द्वितीय के द्वारा उस समय इसको लाल महल या रंग महल कहते थे और बाद में जो है ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है जो लास्ट रूलर थे मुगल के उन्होंने हाथी गेट बनवाया। इसके पीछे ये है कि हाथी पे बैठ के आप जो है इजीली इसके जो इंट्रेंस गेट है उसके अंदर जा सकते थे, इसीलिए इस गेट का नाम हाथी गेट पड़ा। उस समय यहाँ पे जो है एक फूल वालों की सैर ऊपर भी जाने का है क्या जो दरगाह में मनाते हैं इधर से जाएं? उस समय उर्स होता था जिसको कि बहादुर शाह जफर और अन्य शासक भी इस महल से आयोजित करते थे और देखते करते थे। आज के समय में हाथी गेट को छोड़ के लगभग सब जगह जो बनाया गया इस महल का रुइंड है, मतलब टूट फूट गया है। इस महल के अंदर लगभग सभी बहुत सारे रॉयल फैमिली का कब्र है जिसमें कि बहादुर शाह जफर प्रथम और बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता जो थे अकबर शाह द्वितीय और उनके दादा शाह आलम द्वितीय की भी कब्र है और जफर के पुत्र मिर्जा फखरुद्दीन भी यहीं दफन है। लेकिन जफर की बदनसीबी थी कि वो अपना मतलब एक घेराव का आकार का बना भी लिए थे कि मेरे मरने के बाद मुझे यहीं दफनाया जाए। लेकिन 1857 के विद्रोह हो जाने पे जिसको कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं जफर बहादुर शाह जफर पे मुकदमा चलाया गया लाल किला में और उनको दोषी पाया गया। उसके बाद उन्हें रंगून जेल में कैद कर लिया गया जहाँ पे 1862 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई और रातों रात एक पेड़ के नीचे दफना दिया गया। बाद में बहुत सारा मतलब जब देश आज़ाद हुआ या उनके आसपास ही या पहले बहादुर शाह जफर के कब्र के ऊपर एक मकबरा टाइप से बनवा दिया गया और वहाँ पे लाखों लोग जाते हैं। जफर का लास्ट इच्छा जो है विष पूरा नहीं हुआ जिसमें कि उन्होंने एक दोहे के माध्यम से भी जो है कहा है जिस जो यह है कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी मिल ना सकी कुए यार में। हाउ अनलक्की इज जफर फॉर बरियल इवन टू यार्ड्स ऑफ लैंड वे आर नॉट टू बी हैड इन द लैंड ऑफ हिज बिलवड। ग्रीष्मकालीन आरामगाह था और ये जो है संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ 3 मंजिला इमारत है जो कि 50 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। प्रवेश द्वार पे एक अभिलेख भी है जिसमें लिखा गया है कि इस द्वार को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने शासन काल के 11वें वर्ष में सन 1847-48 में बनवाया था। मुगल शैली में विशाल छज्जा है जो कि काफ़ी आकर्षक है। घुमादौर बंगाली गुंबज और छोटे झरोकों का निर्माण राजस्थानी शैली में है। ये तीनों शैली बंगाली राजस्थानी और मुगल शैली ये तीनों शैली मिलता है। जफर महल के जस्ट बगल में
मोती मस्जिद भी है, जिसको कि अकबर सदुत्तिया ने ही इसको बनवाया था। और यह जो है पूरी तरह से वाइट मार्बल से बना हुआ है। ये छोटा मस्जिद 3 कंपार्टमेंट में बटा है और प्रत्येक कंपार्टमेंट के ऊपर गुंबद भी है। बाद में जो है कुछ अंग्रेज जब 1857 के बाद अंग्रेज का एक तरह से अस्थायी तरह से रूल स्थापित हो गया, तो उसने भी कुछ आर्किटेक्ट अपना स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज किया, जिसमें कि आग का बना हुआ भी दीवार के आसपास है। इसके चारों ओर अब जो है घर बना लिया गया है। एक समय में अपने आप में बहुत विशाल महल रहा होगा और काफ़ी भव्य रहा होगा। आज जो है लोग आते हैं, कुछ देर बिताते हैं, बहुत सारा लोग गंदगी सब भी करके चले जाते हैं। एक तो जब हम थे तो एक सज्जन डॉगी घुमाने लाए थे। और इसके बीच में एक जो है आंगन में गुंबददार टाइप का एक बना हुआ है, मंडप टाइप से बोल सकते हैं, मंडप भी बना हुआ है। बहादुर शाह जफर का यह महल संरक्षण अधिनियम 1920 के तहत संरक्षित इमारत के अंदर घोषित किया गया है। एक गार्ड भी थे जो कि देखरेख करते हैं। और इसके चारों ओर जो है अब घर बन गया है, तो इस महल को संरक्षित करना बहुत अनिवार्य हो गया, क्योंकि हम लोग का जो एक धरोहर है वो हम लोगों के साथ रहे, इसको संरक्षित करना हमारा भी जिम्मेवारी है। इसके जस्ट बगल में कुतुब बख्तियार काकी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध सूफी संत थे, इनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे फूल चढ़ाया जाता है और कुछ ढोल पे कुछ लोग गाने भी गाते हैं, जो कि काफ़ी शाम में या कभी वीकेंड पे घूमने के लिए काफ़ी आराम का है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो साथियों, ये था हमारा बहादुर शाह जफर महल, जिसको जफर महल भी बोलते हैं, उसकी यात्रा। तो आपको कैसा लगा ये वर्चुअल टूर, आप भी लिख सकते हैं और आप ज़रूर यहाँ घूमने जाएं। ये काफ़ी अब भी हल्का ठंडा देगा, ये प्लेस ठंडक है और काफ़ी भव्य है और शानदार है। आप इतना ही, जय हिंद साथी, बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जगह पे। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं एक नई जगह। यह जगह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है और एक समय मुगल